नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। इस वक्त मैं पटना कॉलेज गेट पर खड़ा हूं और आज यहां पर NSUI के जो छात्र हैं लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए मैं इनसे बात करता हूं। प्रदर्शन हम लोग के नवीन के जो मृत्यु हुआ है इसी को लेकर है, जो कि इंडिया के छात्र थे उसका मृत्यु भी हो चुका है वहाँ पे। तो छात्र है हम लोग के यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, जो 28 बच्चे वहाँ फंसे हुए उसको सुरक्षित लाया जाए, नहीं तो प्रोटेस्ट आज यूनिवर्सिटी में हुआ है, कल बिहार में होगा, इसी तरह से हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लगातार रूस और यूक्रेन के दौरान जो युद्ध चल रही है, लगातार उस मामले में जितने भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें वापस सुरक्षित लाने को मांग को लेकर के आज यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के जितने भी NSUI के कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया यहाँ पे, और भी कुछ कार्यकर्ता हैं। क्यों कर रहे थे आज यहाँ पर? ये जो नवीन कुमार जी की हत्या हुई है यूक्रेन में, उन्हीं के खिलाफ में ये प्रदर्शन हो रही है। जो हमारे मेडिकल के वो स्टूडेंट थे, कर्नाटक के थे, भारत के बहुत सारे छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए खास तौर से गए थे, तो वो लोग अभी युद्ध की जो यूक्रेन में स्थिति है जिस वजह से वहाँ छात्र फंसे हुए हैं, बस हम लोग उन्हीं के लिए, उनको सरकार जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको सही तरीके से वापस भारत लाए सम्मान के साथ। वहाँ आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं कि कैसे उनके साथ उनको बहुत सारा दुख हो रहा है। वहाँ सही व्यवस्था नहीं, खाने पीने का भी दिक्कत है। यहाँ पे अभी देख रहे हैं हाल ही में कल चुनाव माहौल है, तो वहाँ अपने गृह मंत्री जी 56 भोग का स्वाद ले रहे थे और वहाँ छात्र दाने दाने को तरसे हुए हैं। तो इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, बहुत ही लचर व्यवस्था है सरकार का, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुधाकर राज, पटना साइंस कॉलेज। जी, ये सुधाकर राज जी थे NSUI के छात्र, पटना साइंस कॉलेज के। यहाँ पे और भी कार्यकर्ता हैं, मैंने क्यों कर रहे थे? देखिए, पूरे देश, पूरे विश्व को पता था कि रशिया यूक्रेन पे हमला करने वाला है, उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि प्रचार मंत्री हैं वो लगातार इस बात को नाकाबिले ये कह रहे थे कि हम उनको लाना चाहिए था यहाँ के छात्रों को, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। अभी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, सिर्फ एक एरोप्लेन आया है हिंदुस्तान जिसमें बच्चे आए हैं, जिसमें 200 से 250 बच्चे थे, लेकिन अभी भी 20,000 के करीब लड़के फंसे हुए हैं, लड़के लड़कियाँ फंसी हुई हैं जो हिंदुस्तान की हैं यूक्रेन में। तो अब आप बताइए कि इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है? क्यों अपने छात्रों को ये सरकार नहीं ला रही और सिर्फ 200 लड़कों को लेकर आई है, तो उनको लग रहा है कि पूरे तमाम छात्रों को लेकर आ गई है, ऐसा नहीं है। तो आज ये गुस्सा छात्रों का फूटा है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, काबिल बच्चे हैं, उनको वापस लेकर आया जाए, सहकुशल लेकर हिंदुस्तान आया जाए। क्या नाम है? खाली जमशेद, कार्यकारिणी अध्यक्ष NSUI। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार जो NSUI के जो छात्र हैं, आज जो भी भारतीय छात्र नागरिक वहाँ घायल हुए हैं, जो मर चुके हैं, और आज जो भी भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए उन्हें सुरक्षित मांग को वापस लाने को लेकर के लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बने रहने के लिए देखते रहिए फोर्ट पिलर लाइव से, मैं अनुज कुमार।